जैसे देव आनंद साहब को एवरग्रीन एक्टर कहा जाता है, उसी तरह वहीदा रहमान को भी एवरग्रीन अदाकारा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली वहीदा जी 85 साल की उम्र में भी एक्टिंग और एनजीओ के काम में एक्टिव हैं। 83 साल की उम्र में वहीदा जी ने स्कूबा डाइविंग के मजे लिए थे। आज का वीडियो वहीदा रहमान की बेटी के बारे में है, लेकिन वहीदा जी की बेटी के बारे में जाने उससे पहले कुछ ब्रीफ जानकारी वहीदा रहमान के बारे में आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ नया जानने को मिल जाए वहीदा जी के बारे में। नमस्कार, फिल्मी तराना चैनल के एक और बेहतरीन पेशकश में आपका स्वागत है। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 के दिन चेंगलपेट तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान और माता का नाम मुमताज बेगम था। वहीदा जी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। वहीदा जी की स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल विशाखापट्टनम से हुई थी। वहीदा रहमान के पिता डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे। जब वहीदा जी सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के जाने के बाद माता का स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ता चला गया और घर में पैसों की भी दिक्कत खड़ी हो गई। इसलिए वहीदा जी, जो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, अब घर पर फाइनेंशियल हेल्प के लिए भरतनाट्यम के शोज करने लगी थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म रोजुलू मरई में डांसर के तौर पर काम किया था। वहीदा जी के बारे में कहने जाएं तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा और मैं विषय से भटक जाऊंगा। तो अब बात करते हैं वहीदा जी की बेटी के बारे में। वहीदा रहमान ने 1974 में शशि रेखी यानी कि कमलजीत रेखी से शादी की थी। कपल ने शादी से पहले शगुन फिल्म में साथ में काम किया था। इन्हें 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा सोहेल रेखी और छोटी बेटी काशवी रेखी। वहीदा जी के दोनों ही बच्चे राइटर्स हैं। बात करें काशवी की तो वो अपनी माँ वहीदा रहमान जैसी ही खूबसूरत हैं। एक बड़ी सेलिब्रिटी की बेटी होने के बावजूद काशवी मीडिया से दूर ही रहना पसंद करती हैं। काशवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा से फिल्म एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग में ग्रेजुएशन किया है। 2005 में रिलीज हुई फिल्म मंगल पांडे की स्क्रीन सुपरवाइजर का काम काशवी ने ही किया था। मिर्ची मूवीज के साथ हेड डेवलपर के तौर पर काम कर चुकी काशवी ने अनुपम खेर और अकबर खान को भी असिस्ट किया है। काशवी अपनी माँ वहीदा रहमान और भाई सोहेल रेखी के साथ मिनिम चैरिटेबल फाउंडेशन की डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। काशवी को अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है और ये सारे काम वे माता वहीदा जी के साथ ही करती हैं। माँ बेटी की जोड़ी अक्सर मीडिया में कुछ न कुछ नया और एडवेंचरस करता दिखी जाती है। वहीदा रहमान और काशवी रेखी की इस जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने चहेते कलाकारों के बारे में ऐसी ही रोचक, अनकही और अनसुनी बातें जानने के लिए फिल्मी तराना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी कल एक और नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।